वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गेम लॉन्चर के थ्रू कोई गेम प्ले कर देते हैं तो यहाँ पे आपको नेगेवेशन में बटन नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी नेगेवेशन हमारा शो कर रहा है, बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को गेम लॉन्चर के अंदर जो है नेगेवेशन बटन नहीं मिल पा रहा, जिससे कि वो गेम को एग्जिट नहीं कर पाते या फिर बैक नहीं आ पाते, ठीक है। अगर हमें नेगेवेशन का ऑप्शन नहीं मिलता या फिर बटन नहीं मिलता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हमें यही से इस गेम को बंद करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप किस तरीके से अपने नेगेवेशन को इनेबल करोगे, किस तरीके से ऑन करोगे, तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे जैसे गेम आपकी प्ले होगी तो ज़्यादातर डिवाइस में नेगेवेशन शो कर जाता है, कभी कभी आपको थोड़ा सा फ़ोन को मतलब हिलाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फ़ोन को ऊपर नीचे या फिर जगह पर ही थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा अपने हाथों में, तो उसके बाद भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर एक दो बार टैप करना है जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, तभी भी आपको यहाँ पे नेगेवेशन आ सकता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा स्क्रॉल किया यहाँ पे ऊपर से तो यहाँ पे नेगेवेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, स्लाइड बार को आपको ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नेगेवेशन नीचे आ जाएगा। और बाकी ये सब कुछ करने से भी आपको नेगेवेशन नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में यहाँ पे आपको जो है दूसरा काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसे नेगेवेशन को एक बार बैक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से एग्ज़िट इस गेम को कर सकते हैं। बाकी अगर ये शो नहीं कर रहा है तो उस केस में आप प्ले स्टोर खोलिएगा और यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपना जो है गेम लॉन्चर, लिख देना है आपको, और यहाँ पर आपको गेम लॉन्चर देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली गेम लॉन्चर के अंदर चले जाइए और यहाँ पे आपको अपडेट के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जैसे हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपको ऊपर की तरफ ही अपडेट लिखा आ जाएगा, या फिर आप जब गेम लॉन्चर को न्यू तरीके से ओपन करोगे तो वहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का, तो जस्ट आप अपडेट करवा लीजिएगा।